हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरी न्यू वीडियो में। दोस्तों, आज मैं अपने घर थोड़ी देर पहले लेटा हुआ था, एक माता जी आई जो आप वीडियो में देख सकते हो, पीछे चारपाई पे बैठी हैं, काफ़ी परेशान हैं। मतलब इनके लड़के की जब शादी हुई थी तो लड़का तो ख़त्म हो गया था और बहू ने इन्हें घर से निकाल दिया, जो भी इनकी प्रॉपर्टी थी, घर बार था, सब बेच दिया। और माता जी बस इधर उधर भटक रही हैं, गुजारा कर रही हैं, कभी स्टेशन पे, कभी किसी दुकान पे, कभी रोड पे। आज यहाँ आई थी हमारे गांव में और हमारे घर ही अचानक आ गई, तो इनसे पूछा, इन्होंने बताया कि बेटा मुझसे तो भीख भी नहीं मांगी जाती, काफ़ी परेशान है। और माता जी की बातें सुन के माता जी रो भी पड़ी थी, थोड़ा हल्के बोलती हैं, हमने अभी पानी पूनी पिलाया, चाय बना रहे हैं, खाना खिलाएँगे, अब देखते हैं आगे क्या करना चाहिए। आप भी थोड़ा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि माता जी के साथ क्या करें, कहाँ छोड़ें। अब बेचारे रोड पे, स्टेशन पे ऐसे ही रह के गुजारा कर रही हैं, अब माता जी का दुख हमसे भी नहीं देखा जा रहा, काफ़ी परेशान हैं। आपको माता जी दिखाते हैं, आप देख सकते हो माता जी बैठी हैं इस टाइम। और आप माता जी की, माता जी आपकी उम्र कितनी है? 70 साल के आसपास उम्र है इनकी। और अब तो कोई जगह भी नहीं है जहाँ ये रुक सकें, कोई छत हो जहाँ रुकने को, ना इनके कोई आगे ना पीछे। माता जी कह रही हैं मुझे तो मौत भी नहीं आ रही। दोस्तों काफ़ी परेशान है माता जी, काफ़ी दिन। माता जी कितने दिन हो गए आप ऐसे पर घूम रहे हो? 2-3 महीने हो गए इन्हें। आज ये हमारे गांव मुकंदपुर में आई हैं, तो इसी टॉपिक पे एक वीडियो बना रहे हैं। दोस्तों ऐसे आप भी कहीं भी किसी को भी परेशान देखो तो उसकी हेल्प करो। आप सोचो कैसे हेल्प करनी है, हम तो बता नहीं सकते आपको कैसे करनी है, बाकी थोड़ा सोचो इस चीज़ों के बारे में। और ज़्यादातर अपने आसपास के घरों में थोड़ा ध्यान दो, कोई भी कहीं भी किसी की भी बहू, किसी की माता को बाहर निकालने, उसका ध्यान रखो, उस पर एक्शन लो। अब हम पता करते हैं इनकी बहू कौन सी है। तो माता जी बोल रही हैं, रात सुल्तानपट्टी स्टेशन पर रुकी थी, जहाँ ना कोई बैठने की जगह टंकी, बहुत सारे बंदर ही बंदर थे, और रात इन्होंने खाना भी नहीं खाया, वहाँ बैठ के गुजारा करा पूरी रात। फिर सुबह निकली, अब सुबह से कुछ खाया भी नहीं है, और दवाई, तबीयत भी थोड़ी ख़राब ही थी, दवाई के लिए भी पैसे नहीं थे, और इसी कारण ये आज हमारे गांव में पहुंची। देखते हैं हम कैसे हेल्प करते हैं, अम्मा की भी थोड़ा सोचते हैं, बहुत अम्मा परेशान है। दोस्तों माता जी कह रही हैं अब मैं रामपुरा जाऊंगी, और बाकी हमने माता जी को नंबर दे दिया है, किसी भी चीज़ की मतलब ज़रूरत पड़े जहां भी होगी हम माता जी की हेल्प करेंगे, और कुछ पैसे देंगे माता जी को जो थोड़ा बहुत उससे अपना गुजारा कर पाएँ। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को जरा सोचो, आगे ऐसे कोई परेशानी किसी को ना पड़े। मन नंबर आपको मैंने दे दिया है, आप जहाँ भी जाओगे आप हमें कॉल कर देना कि हमें कोई परेशानी है। बाकी मैंने पैसे आपको थैली में दे दिए, हाँ कोई भी ज़रूरत पड़े आप फ़ोन कर सकते हो। ठीक है अम्मा, आप देख सकते हो माता जी से चला भी नहीं जा रहा, इनके पैर में भी दिक्कत है, बेचारी जा रही हैं, कह रही हैं अभी कुछ घर घूमूंगी मैं, फिर उसके बाद काशीपुर चली जाऊंगी मंदिर पे या कहीं। दोस्तों आपके आसपास कोई भी ऐसा परिवार हो जो एक बूढ़ी औरत को या किसी को परेशान कर रहा हो या घर से निकाल रहा हो, तो इस चीज़ों का ध्यान रखें। आप देख सकते हो अम्मा से चला भी नहीं जा रहा 3 महीने।